सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने बाजू की कटिंग कर रखी है और इसकी लंबाई हमने कटिंग में उतनी ही ली है जितनी हमें तैयार चाहिए। जैसे मुझे 17 इंचेस रेडी चाहिए थी तो मैंने 17 इंचेस पे ही कटिंग की है। अब एक पेस्टिंग पेपर लिया है, आप चाहो तो बुकरम भी ले सकते हो। इसकी लंबाई हमने 7 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच ली है। अब इसे सेंटर में से फोल्ड करेंगे और ऊपर से 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और वन साइड से रखते हुए 1 इंच पे मार्क करेंगे। इन मार्क्स को ज्वाइन करते हुए बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप देंगे और इस कॉर्नर से हमने 0.5 सेंटीमीटर तक दी है ये शेप। अब इस पे कटिंग कर लेंगे। ये पैटर्न हमारा कट चुका है। अब हम बाजू से मैचिंग कपड़े की उल्टी साइड पे इसे रखते हुए प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे और इसकी सभी साइड्स को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच यानी कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब बाजू लेंगे और बाजू की सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और इसके सेंटर पे मैंने मार्क कर रखा है। इसी तरह से ये जो पैटर्न हमारा लिया है हमने, इसके भी सेंटर पे मार्क कर रखा है। इसे बाजू के सेंटर पे रखते हुए एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ पेपर के किनारे पे स्टिच देंगे। ये आप स्टिच देख सकते हो। अब यहाँ पे 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे और पूरे पैटर्न में नॉचेस देंगे। नॉचेस सिलाई से दूर रखते हुए देने हैं। ये कच्ची सिलाई हटा देंगे और अब इसे बाजू की उल्टी साइड में पलट लेंगे और इस पे प्रेस कर सकते हो या फिर कच्ची सिलाई लगा सकते हो। जो भी फ्रेंड्स हम कच्ची सिलाई लगाते हैं उसे हम जब डिज़ाइन पूरा हो जाता है उसके बाद हम निकाल देते हैं। तो ये स्टिच हमारा लग गया है। अब हमने इसमें पाइपिंग निकालनी है तो उसके लिए हमने सलवार से मैचिंग कपड़ा लिया है और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी है। इसके ऊपर बाजू की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। उतना ही दबाव देना है जितनी मोटी आपने पाइपिंग निकालनी है। तो जैसे देखिए मैंने इतने दबाव पे स्टिच देना है। अब यहाँ से कपड़े की कटिंग कर देंगे। 1/4 इंच से भी कम कपड़ा छोड़ेंगे और इसमें नॉचेस दे देंगे। अब बाजू की सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और यहाँ से करीब करीब 1 से 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब हम जब इसे उल्टी साइड में पलटेंगे कपड़े को तो ये हमारी पाइपिंग निकल आएगी और हमने यहाँ पर इसमें स्टिच देना है। इन दोनों कपड़ों के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि ना ही ग्रीन कपड़े पे स्टिच लगाएंगे और ना ही पाइपिंग पे स्टिच लगाएंगे। कपड़े को नीचे से हल्का हल्का खींचेंगे तो ये एकदम फिनिशिंग से पाइपिंग निकल आएगी। ये आप देख सकते हो स्टिच मैंने बिल्कुल इन दोनों कपड़ों के सेंटर में लगाया है। और अब ये रफ स्टिच हम निकाल देंगे और इस कपड़े को हमने फोल्ड करना है। ये जो हमने पहले पैटर्न लगाया है
इसी पैटर्न के ऊपर से घुमाते हुए इसे यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो अब ये फोल्ड हमने कर लिया है, अब बाजू को हटाएंगे और एक सीधी पट्टी लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है, ये इसकी सीधी साइड है। इसे फोल्ड करेंगे और 1/4 इंच यानी 1/2 इंच का दबाव देते हुए स्टिच लगाना है। 1 इंच तक ये पट्टी हमारी रेडी होनी चाहिए। हमने इसमें स्टिच लगा लिया है, अब नीडल और थ्रेड की हेल्प से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस पे आयन यानी प्रेस कर लेंगे तो ये हमारी स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। अब इसे 3 इंच लंबे पीसेस में काट लेंगे। अब एक पेपर का पीस लेंगे और इस पे ये जो हमारा पैटर्न में से निकला था जब हमने कटिंग की थी, इसको रखते हुए सेम यही पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। और अब इस पेपर पे इन स्ट्रिप्स को रखते हुए अटैच करना है। यहाँ ऊपर से हम 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर के स्टिच में जाएगा। इन स्ट्रिप्स को इसके ऊपर प्लेस करते हुए इसी मार्किंग के ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब ये स्ट्रिप्स अटैच करने के बाद बाजू लेंगे और बाजू को इसी पैटर्न के ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। जैसे जैसे हमने स्टिच लगाया है यानी कि जिस शेप में, सेम उसी तरह से हमारा यहाँ पे भी स्टिच आ जाएगा। और जो इसमें हमने पाइपिंग अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, और बिल्कुल बारीक सिलाई लगाइएगा। आप चाहो तो इस सिलाई के साथ एक और सिलाई लगा सकते हो 1/4 इंच के गैप पे, उससे ये जो हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं ये और भी पक्की हो जाएंगी। अब हम बाजू की कलाई यानी मोहरी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने ये सीधी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है और इसकी लंबाई हमारे पास लगभग 1 मीटर है। ये इसकी उल्टी साइड है, इसे हम सेंटर में से फोल्ड करेंगे और इसमें छोटी छोटी चुन्नटें डालते हुए स्टिच लगाएंगे। आधा आधा इंच के गैप पे हम चुन्नटें डाल लेंगे। और फ्रेंड्स, जो मैंने इस स्ट्रिप की लंबाई 1 मीटर ली है, अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हो किस तरह से लेनी है, तो जितनी भी आपने मोहरी कटिंग की होगी बाजू की, उसका आपने 2.5 गुना ले लेनी है। अब ये फ्रिल हमारी रेडी हो चुकी है, इसे हम बाजू की सीधी साइड पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे और इसी स्टिच के ऊपर स्टिच लगाएंगे जो कि हमने चुन्नटें डालते वक्त दिया है। और फ्रेंड्स, ये जो फ्रिल की चौड़ाई हमारी रेडी हुई है ये 1 इंच की हुई है। अब इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देख सकते हो आप, हमने जो स्टिच लगाया है इस पे। अब बाजू की इस साइड पे आएंगे और ये जो पेपर है इसको हटा देंगे। अब नीडल और थ्रेड ली है और इसके एक किनारे पे हमने नॉट कर रखी है। अब यहाँ इसके स्ट्रिप के सेंटर में से नीडल इंसर्ट करते हुए छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे। और बो की शेप में ये आ जाएगी। अब मोती लेते हुए इसे इस पर अटैच कर लेंगे। तो अब इसी तरह से पूरी बाजू में मोती अटैच कर लेंगे। तो इसी के साथ ही ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स,
अगर आप देखना चाहते हो कि इस बाजू को कुर्ती में कैसे अटैच किया जाता है, तो इसके जैसा ही एक और मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है और उसको अटैच करने के दो तरीके बताए हुए हैं, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।